क्षेत्र के सेक्टर 8 के अंबेडकर भवन में चल रहे भाजपा के शाहबाद मंडल प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद नायब सैनी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी, जिला भाजपा अध्यक्ष राजकुमार सैनी का किसानों ने जमकर विरोध किया। किसान यूनियन के झंडे और काले झंडे लेकर अंबेडकर भवन के बाहर पहुंचे और उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के इस तरह के विरोध प्रदर्शन कई जगहों पर हो चुके हैं। बता दें कि शुक्रवार को भाजपा के शाहबाद मंडल का प्रशिक्षण शिविर था और शाहबाद किसान यूनियन का मजबूत गढ़ होने के कारण भाजपा ने यह प्रशिक्षण शिविर वहां ना करके कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 में आयोजित किया, लेकिन यहां भी किसान भारी संख्या में पहुंच गए और पुलिस बल की मौजूदगी में भी उन्होंने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। वहीं एक किसान नेता ने यहां मीडिया के सामने आरोप लगाया कि प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता बिना मास्क के आए हुए हैं, जबकि पुलिस आम लोगों के चालान करने और उनके ऊपर लाठियां चलाकर उन पर अत्याचार करने में लगी हुई है। तो आप लोगों ने स्पष्ट कैमरों के सामने नंगा नाच देखा। हम शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे और आराम से फर्श के ऊपर बैठे थे। डीएसपी ने ऑर्डर दिया और उन्होंने जबरदस्ती हमें उठाया, लाते बाहें पकड़कर जबरदस्ती उन्होंने करी हमारे साथ। क्या यह तरीका पुलिस प्रशासन का है? क्या ये जमी गुलाम हो चुके? क्या देश गुलाम हो चुका है? जमी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये लोग। क्या आज बीजेपी का ही सब कुछ रह गया? राकेश जी, जैसा कि आज पुलिस ने आपको धक्का मुक्की किया, जो भी किया है, इसके खिलाफ अगली रणनीति क्या रहेगी? पुलिस जो है हमेशा आज जो है केवल और केवल बीजेपी नेताओं की राखी के लिए रह गई है। देश में जो इन्होंने संविधान की कसम खाई थी उससे पुलिस के अधिकारी जो है पीछे हटते नजर आ रहे हैं। केवल जो है नेताओं की चौकीदारी में ही पुलिस रह गई है। देश की पुलिस जो है आम नागरिक के प्रति नहीं है, जो कि आम नागरिक की सेवादार पुलिस है वो नेताओं की रह गई है। किसी गिरफ्तार नहीं किया? किसी किसान नहीं गिरफ्तार नहीं इन्होंने किया और गिरफ्तारी हमारी नहीं हुई कोई भी। इन्होंने जो है धक्के से उठाकर हमारी लाते बाहें पकड़कर गला पकड़कर और जो है इन्होंने उठाया और जो एक जबरदस्ती इन्होंने हमारे साथ की वो निंदनीय है। और ऐसी जो है पुलिस ने कार्रवाई, एक बस भी यहाँ से भर के गई है जिसमें अक्षय थीरा भी था। नहीं बस कोई नहीं गया, हम रणनीति पूछ रहे थे भाई जी। रणनीति यही रहेगी, रणनीति यही रहेगी। जहाँ भी बीजेपी वाले कोई भी प्रोग्राम करेंगे उसका पुरजोर विरोध होगा, चाहे गोली मारे चाहे कहीं ले जाए। हम जो है प्रदर्शन विरोध करेंगे। एक हमें सिर्फ आधा घंटा पहले पता लगा इसके प्रोग्राम का, और जे ये अपने बाप के है ना तुम्हारे तो 24 घंटे का टाइम दिया। ये तो दो दिन प्रोग्राम चलेगा तो क्या करेंगे? तो दो दिन कल फिर यही, कल इतनी तैयारी से आएंगे? ये तो हमें आधा घंटा पहले पता लगा। अभी हमें 24 घंटे का समय मिल जाता तो इनको बता देते कैसे प्रोग्राम होते हैं। अपने किसान साथियों की दाव देते हैं जो इतने छोटे टाइम में भी इतनी बड़ी संख्या में आए, और ये गुंडागर्दी बिल्कुल सहन नहीं होगी। और जिस प्रकार से ये दुम्ब का दबा के भागा, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।